हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं PCOD PCOS के बारे में, और आज इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल साइंस करने वाले हैं। PCOD क्या होती है, PCOS क्या होती है, इसकी डिटेल साइंस क्या है, इसके होने का क्या कारण है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई हमें ये है या नहीं, और अगर है तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, और उसके साथ ही इसके बारे में एक पर्टिकुलर प्रॉपर डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आई नो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम एक जस्ट सैम्पल डाइट प्लान, जो नॉर्मली अगर आपको बहुत ज़्यादा सुवेयर PCOD PCOS नहीं है, मतलब आप जब मेंस्ट्रुएट करते हो तो ईयरली में आप 5 या 6 से मेंस्ट्रुएशन आपको ज़्यादा आती हैं, दैट इज़ योर रेगुलर पीरियड्स जो हैं वो आपके 6 टाइम से ज़्यादा आते हैं एक साल में, तो उनके लिए हम नॉर्मली ये वाला डाइट प्लान आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PCOD से। PCOD मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और वहीं पर PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीज़ माने कि तो एक कंडीशन जिसमें आपकी ओवरी के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मिसिंग मेंस्ट्रुएशन, फ्रीक्वेंटली हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, और वहीं पर PCOS दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स पैकेज ऑफ सिम्टम्स जिसमें सिर्फ आपकी ओवरी के हॉर्मोन्स ही डिस्टर्ब नहीं होते बल्कि उसके साथ आपकी बॉडी के अदर हॉर्मोन्स भी अफेक्ट होते हैं। PCOS में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज होने लगते हैं, BP का इशू आपको होने लगता है, आपकी बॉडी में मच फैट डिपॉजिट होने लगता है, और इसके साथ ही आपकी बॉडी में एंड्रोजन भी सिक्रेट होने लगता है, दैट इज़ द मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आप में दिखने लगते हैं जो PCOD में नहीं होता, जो PCOS में देखने को मिलता है। दोनों ही केसेस में फैट वुमन में डिपॉजिट हो जाता है, और आजकल अगर हम बात करें तो ये दिक्कत इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि 1 out of 10 यंग गर्ल और यंग वोमेन इज सफरिंग फ्रॉम आइदर PCOD और PCOS, और इसका कॉज क्या है अननोन, नहीं मालूम, लेकिन या कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपको PCOD PCOS होता है। क्योंकि अगर हम पहले के टाइम में देखेंगे, हमारी दादी नानी पर नानी परदादी के टाइम में, तो उस टाइम ये दिक्कत इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन सडनली अभी पिछले कुछ 10 साल से ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि जब मेरे पास इवन 12-14 साल की लड़कियाँ आती हैं, शी इज़ हैविंग PCOD PCOS, लिटरली आई एम शॉक्ड एट दैट टाइम कि इतनी छोटी एज में ये दिक्कत कैसे हो सकती है, बिकॉज उस टाइम पर तो आपकी बॉडी में जस्ट हम कहेंगे हॉर्मोन्स ने जन्म लिया ही होता है, और वो जब जन्म लेते हैं उसी टाइम पर इम्बैलेंस हो जाते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे जीने का तरीका है, द लाइफ स्टाइल, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले डिटेल साइंस क्या है PCOD की, वो जान लेते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब आपको मेंस्ट्रुएशंस होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम योर डे 0 to डे 5, जब आपको पीरियड्स आते हैं, उस टाइम में आपकी बॉडी में जो ओवरीज हैं, ओवरीज मीन जो एग्स होते हैं बेसिकली, वो 2 तरह के हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, दैट इज़ LH एंड FSH, 2 हॉर्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ये हॉर्मोन उस टाइम पर आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन आपकी बॉडी में उस टाइम पर डिक्रीज होने लग जाता है। और जब ये हॉर्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में आपके चलते हैं, आप उस टाइम पर आपकी मेंस्ट्रुएशन अकर होती है, बिकॉज जो भी उस टाइम पर ब्लीडिंग होती है वो ईजिली फ्लो करती है, और डे 6 पे आपका एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन होता है, मींस डे 6 पे आप फॉलिकुलर स्टेज में एंटर करते हो। फॉलिकुलर स्टेज बेसिकली आपकी डे 6 से डे 14 तक चलती है, और इस टाइम पर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ईस्ट्रोजन बेसिकली ज़्यादा रिलीज होने लगता है, प्रोजेस्ट्रॉन कम होता है। इस टाइम पर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, और LH और FSH जो हॉर्मोन्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, वो डिक्रीज होने लगते हैं, वो ड्रॉप डाउन करते हैं आपके ब्लड लेवल्स में भी। ब्लड में भी बेसिकली आपको ईस्ट्रोजन हॉर्मोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फॉलिकल्स बनाते हैं। फॉलिकल्स मीन्स
आपका जो एग है उसके सराउंडिंग स्वेलिंग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एग मैच्योर होने लगता है। स्वेलिंग इसीलिए करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, वो मैच्योर होए, ताकि वो इमैच्योर छोटे छोटे ही ना बने रह जाएं। और जैसे ईस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है वो मैच्योर होने लग जाता है। डे 14 तक, डे 6 से डे 14 तक आपकी बॉडी में ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद डे 15 पर आप ओव्यूलेटरी स्टेज पर एंटर करते हो। ओव्यूलेटरी स्टेज, दैट इज़ द डे 15, ये वो स्टेज होती है जब बेसिकली आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन हार्मोन इतना ज़्यादा पीक पर हो जाता है कि उस टाइम पर अ फीमेल बॉडी इज़ पर्टिकुलर फिट फॉर कंसीविंग अ बेबी, यू कैन टू से फर्टिलाइजेशन के लिए वो टाइम पीरियड, वो डे, और ये डे सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही रहता है, सबसे परफेक्ट होता है। बिकॉज इस टाइम पर जो एग अभी तक जिसके सराउंडिंग फॉलिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, जो स्वेल कर रहा था उसे मैच्योर, वो मैच्योर हो जाता है और वो वहाँ से अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ पे एग होल्ड होता है वहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है। और जब वो रिलीज़ होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आपके फिम्ब्रे होते हैं, हेयर इज़ योर एग, और वो रिलीज़ होकर यहाँ पर उस टाइम पर आ जाता है और जहाँ पर वो बेसिकली वेट करता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो वेट करता है, ताकि इन फ्यूचर में वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर नहीं। 24 आवर्स तक ये चीज़ चलती है। उस टाइम पर भी आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब 24 आवर्स तक कोई चीज़ नहीं होती है, अगेन वो उसके बाद आपका यूट्रस में आने लग जाता है। बिकॉज उसका टाइम पीरियड, इसका मतलब उसके बाद वो ल्यूटियल फेस में एंटर कर जाता है, जहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप डाउन होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई होने लगता है। वो किस लिए हाई होता है? अब जब आपका एग रिलीज हो चुका है तो वो एग अब आपके यूट्रस में रहेगा और वहाँ पे जो उसकी लाइनिंग, पहले थिकर लाइनिंग बनी हुई थी, सर्विक्स की लाइनिंग थिन होती है और अब वो लाइनिंग शेड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी जो फर्दर 10 डेज होते हैं, जिस टाइम पर आपको लिटिल बिट वाइट कलर का डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 10 डेज में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो एग है वो टाइमली, जब वो 10 डेज आपके निकल जाते हैं एंड अगेन योर न्यू मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, अगेन LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ये साइकिल आपका कम्प्लीटली चलता रहता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट इज़ योर मंथली पीरियड्स, बट आई ऑलवेज सेड कि रेगुलर पीरियड्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स हैं, बिकॉज इन सम वोमेन दे डिपेंड अपॉन देयर जेनेटिक पीरियड डिकम्पोजिशन, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी वोमेन में ये साइकिल 28 डेज का ही हो, कईयों में 28, 29, 30, 35 डेज भी लग जाते हैं एंड दे आर नॉर्मल, क्योंकि वो एवरी मंथ मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं, उन्हें मेंसेस आ रहे हैं बेसिकली। सो ये चीज़ इतनी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दैट दे आर रेगुलर पीरियड्स, नॉट इरेगुलर पीरियड्स। Now what exposes me to this curse? As I told you, exact scientific cause of PCOD, PCOS is unknown, but yeah, बहुत सारे factors हैं जो इसे contribute करते हैं। जैसे हम 10th 12th से ही start करते हैं, जब mainly हमारी body में hormonal changes आने लगते हैं, जब basically ये जन्म लेते हैं, इनका birth होता है, हम वहीं से start करते हैं। 10th and 12th are the board classes, जिस time पर सबसे ज़्यादा stress होता है, late night studies होती हैं, sitting hours इतने ज़्यादा increase हो जाते हैं, चिप्स, मंचिंग, बेंजिंग, नूडल्स, मैगी, यही सब ज़्यादातर हम लोग उस टाइम पर कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ओवरीज बैठने के कारण, स्ट्रेस के कारण प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाती और उनसे प्रॉपर अमाउंट में, सफिशियंट रेशो में हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, हॉस्टल फूड आई नो कैसा होता है, बिकॉज मैं भी अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल हॉस्टल में गुजार के आई हूँ। हॉस्टल फूड में आपको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है जो हमें एक होमली कुक किचन से मिल जाती है, हॉस्टल फूड में वो कहीं ना कहीं कमी रहती है। और इतना ही नहीं, आपकी मील्स प्रॉपर ना होने के कारण लेट नाइट गपशप्स, मूवीज़, पार्टीज़, जिसकी वजह से बाहर का खाना हम लोग यूजली खाते हैं, और उतना ही नहीं, देर रात को मंचिंग, बिंजिंग, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक,
अदर कोल्ड ड्रिंक्स को प्रेफर करना, अगेन जिससे आपकी ओवरीज जो है वो बेचारी दब जाती है, अपने हॉर्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाती। और अगर आप बाहर रहते हो, बाहर अपनी जॉब करते हो, और अगर आप अपना रूम किसी के साथ शेयर भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर फंक्शनल किचन नहीं है जिसमें आप अपना खाना कुक कर सकते हो, तब भी आपको इस चीज़ का, बिकॉज आपकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जा रही, प्रॉपर मील्स नहीं जा रही, जिनका बहुत ही बड़ा लिंक होता है PCOD और PCOS के साथ। एंड द लास्टली इज़ योर मैरिजेस, शादी, जब हम वहाँ पर जाते हैं हम इतना ज़्यादा ओवरईट हो जाते हैं कि उन बेचारों को, चाहे आप 1, 2, 3 दिन कितने भी दिन की, आप चाहे, चलो मिनिमम हम 1 दिन की मान के चलते हैं, उसी दिन अगर आप अपना खाना पीना एकदम डिस्टर्ब कर देते हो तो वो डायरेक्टली आपकी ओवरीज के हार्मोन पर इम्पैक्ट डाल देता है। क्योंकि आजकल हमारी ओवरीज इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है ना, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। बिकॉज आजकल हम मोस्टली थिंग्स को घर में प्रिजर्व करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, ज़्यादातर चीज़ें क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक टिफिन्स, छोटे बच्चों को भी जाते हैं तो प्लास्टिक टिफिन्स मोस्टली जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, ग्लास टिफिन्स लेके जा रहे हैं। बट अगर हम इस चीज़ को अपने ट्रेडिशनली दादी पर दादी, नानी पर नानी के टाइम से अगर हम इस चीज़ को मैच करते हैं, तो उनके टाइम पर प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, और इसीलिए उनके टाइम पर ये दिक्कत भी देखने को नहीं मिलती थी। बिकॉज जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हो, टाइम के बाद प्लास्टिक एक केमिकल लीच करता है जो आपके फूड के साथ कंटामिनेट हो जाता है। चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स, दाल वगैरह ही आपने प्लास्टिक में रखी हो, वो लीच करता है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में एंटर करता है। और वो केमिकल क्या होते हैं, दीज केमिकल्स आर जीनो एस्ट्रोजन्स, जो रिसेंटली एक स्टडी में सामने आई है कि इन सभी प्लास्टिक में, प्लास्टिक ही नहीं, आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हो, आप कंडीशनर्स यूज़ करते हो, आप पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वाला खाना जो बाहर मार्केट से आप वेजेस लेके आते हो, अगर आप उन्हें प्रॉपरली वॉश नहीं करते हो, तो इन सभी में जो एक केमिकल आजकल सामने आया है, दैट इज़ द जीनो एस्ट्रोजन केमिकल, जो केमिकल आपकी बॉडी में चला जाता है और वो ईस्ट्रोजन की जगह ले रहा है। इसीलिए 10 साल पहले और आज PCOD PCOS की जो दिक्कत है वो बढ़ रही है, बकायदा कम होने की बजाय, बिकॉज हमारा प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो साइलेंटली हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन की जगह ले रहा है, और जिसकी वजह से हमारी जो ओवरीज के हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ जो अदर हॉर्मोन्स हैं हमारी होल बॉडी में, सिर्फ ओवरीज के हॉर्मोन ही नहीं, दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, अदर ग्लैंड्स जो आपके बॉडी में, इवन द पैंक्रियास जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, उन सब पर भी इनका इम्पैक्ट करता है। क्योंकि एक हॉर्मोन पे अगर कोई बाहरली चीज़ इफेक्ट कर रही है, तो बिकॉज होल बॉडी इज़ इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, क्योंकि हर बॉडी में एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाने वाला कौन है, दैट इज़ द ब्लड या फिर योर प्लाज्मा लिम्फ टिश्यू। और यही जब एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, होल द होल सिस्टम आपका डिस्टर्ब होने लग जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ फीमेल्स में मैस्कुलिन कैरेक्टर्स जब हमें देखने को मिलते हैं, कि चाहे उन्हें PCOD है, PCOS है, स्पेशली PCOS के केस में हमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो उसका कारण क्या है, जब आपकी बॉडी में जो हमने LH हार्मोन डिस्कस किया था, वो हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो मेल हार्मोन एंड्रोजन्स को, यानी आपके टेस्टोस्टेरोन को आपकी बॉडी में सिक्रीट करता है। माइनर अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई गर्ल्स के आर्म्स एंड लेग्स पर हेयर्स होते हैं, तो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल है, जिसका होना ज़रूरी भी होता है। लेकिन जब वो LH बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है और वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में, तो उस टाइम पर आपको फेशियल हेयर, स्टमक पर, चेस्ट पर, ईयर्स पर भी गर्ल्स के देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही पेनफुल पीरियड का किस्सा, वो तो PCOD से चलता ही आ रहा है। नॉट ओनली इन अ पेनफुल पीरियड्स, बल्कि जो PMS होते हैं, दैट इज़ अ प्री मेंस्ट्रुअल सिस्टम्स, जो 10 डेज जब आपकी ओवरी, आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है एक न्यू मेंस्ट्रुएशन के लिए, उस टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर इट,
अब हम क्या कर सकते हैं? वेल, लॉट्स ऑफ थिंग जो आप अपने पीसीओडी पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए कर सकते हो. हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब भी कोई मील लेते हो तो आपकी मील एक बैलेंस्ड मील होनी चाहिए. अब यहाँ से हम बात करेंगे बैलेंस्ड मील का मतलब क्या है. बैलेंस्ड मील मतलब मेरी प्लेट ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए, चाहे मेरी प्लेट में इतना सारा खाना हो, चाहे मेरी प्लेट में मिनिमल अमाउंट ऑफ खाना ही क्यों ना हो, लेकिन उस मिनिमल अमाउंट ऑफ फूड में एवरीथिंग इज़ इन माई प्लेट. व्हाट डू यू मीन बाई एवरीथिंग? लेट मी टेल यू, आपकी प्लेट में गुड कार्ब्स होने चाहिए. गुड कार्ब्स मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ज्वार, मकई, जौ, बाजरा, गेहूं, वो होना चाहिए. उसके साथ गुड फैट्स होना चाहिए. गुड फैटी एसिड्स मीन्स ओमेगा 3, ओमेगा 6. अब इनके आपको सप्लीमेंट्स नहीं, पिल्स नहीं रखनी है अपनी प्लेट में. पिल्स हम सप्लीमेंट्स तब लेते हैं जब बैलेंस्ड मील हमें नहीं मिल पाती, उसके बाद हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं. अदरवाइज सप्लीमेंट्स भी आपकी बॉडी में तभी हेल्प करते हैं कि अगर आप एक बैलेंस्ड मील ले रहे हो. अदरवाइज सप्लीमेंट्स भी रोल नहीं प्ले कर पाते आपकी बॉडी में. नाउ, गुड अमाउंट्स ऑफ फैट होना चाहिए. मीन्स आपको एक अच्छा ऑयल यूज़ करना है जिसमें आप कुकिंग करते हो, चाहे आपका ऑलिव, राइस ब्रैन, कोकोनट, उसके साथ ही आपका सेसमे, सनफ्लावर, सैफ्रन, ये कोई भी ऑयल आपका हो सकता है जो एक अच्छा ऑयल होता है जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है. इसके साथ ही देसी घी आपका होना चाहिए जिसमें अगेन गुड अमाउंट्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं. और इसके साथ आपका गुड अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी कि आपका प्रोटीन अच्छी अमाउंट में आपकी प्लेट में होना चाहिए. प्रोटीन अब आपको किससे मिल सकता है? प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज आप सभी लोगों को मालूम है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिल सकता है. फिश, एग, पनीर, दालें. इंडियन में दाल राइस तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड रहा है, जिसमें दाल राइस का कॉम्बिनेशन क्यों बना है ये भी मैं आपको अपनी किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी कि जो हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल ट्रेंड्स बने हुए हैं फूड के कि इसको इसी के साथ खाना चाहिए, वो कोई स्वाद के हिसाब से नहीं बने हुए. देर आर सम वेरी डीप साइंस इन इट कि वो कॉम्बिनेशंस क्यों बने हुए हैं, हमें उन कॉम्बिनेशंस को क्यों लेना चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो अगेन कम बैक टू द पॉइंट, गुड कार्ब्स, गुड फैट्स और गुड प्रोटीन होना चाहिए. इसके साथ ही प्रोबायोटिक अमाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी छाछ, लस्सी, अभी सर्दी है तो वो हम नहीं ले सकते, बट येस, दही आप ज़रूर ले सकते हो, किमची आप ज़रूर ले सकते हो, तो आपके पास वो होनी चाहिए. अब ये मेरी हो गई है एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील. कंप्लीट बैलेंस्ड मील में आपको एवरीथिंग चाहिए होती है, ये नहीं कि आपको सिर्फ सैलड ही खाना है और आपकी प्लेट में कुछ. कंप्लीट मील्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसके साथ प्रोबायोटिक्स, ये सभी आपकी मील में होने चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस्ड मील डिज़ाइन कर सकते हो. और इतना ही नहीं, यू नो, जब हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन रिलीज होता है या फिर जब कोई भी फूड एक थिंग से ब्रेक डाउन होके दूसरे में कन्वर्ट होता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी, सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस टाइम जो एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं वो एंजाइम्स किससे बने होते हैं? दे नीड हाईली अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, उन्हें प्रोटीन ही चाहिए होता है. और हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वी नीड प्रॉपर रेशियो ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल इन आर डाइट. तो आपको अपनी तीनों मील्स में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को ज़रूर ऐड करना ही है, ताकि आपकी बॉडी की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके और वो हार्मोन्स बैलेंसली अपना काम करें, जिसके बाद आपको एक रेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिले. मतलब साल के 12 महीनों में आपको 12 मेंस्ट्रुएशंस तो आनी बनती ही हैं. और इतना ही नहीं, सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं पीसीओडी पीसीओएस के केसेस में, बिकॉज हमारी बॉडी में एक जीटीएफ फैक्टर होता है जो अगेन इन हॉर्मोन्स के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज़ योर एलएच, एफएसएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के साथ.
और उस फैक्टर में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज़ द क्रोमियम रोल करता है। तो इसीलिए आपको क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम जो ज़्यादातर आपको नट्स, सीड्स और उसके साथ ही आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी आपको मेथी, सरसों, पालक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो आप इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ये सारी की सारी आपको क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम देंगी, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो ओवरीज हैं वो अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करके अपने आप को सुधारने की खुद ही कोशिश करती हैं। आपको सिर्फ एक थोड़ी सी पहल ही करनी पड़ती है, बाकी वो काम अपना खुद ब खुद ही करने लग जाती हैं। और इसके साथ ही आपकी बॉडी को विटामिन B12 की भी ज़रूरत पड़ती है और कैल्शियम की भी नीड होती है, बिकॉज जब एक भी हार्मोन हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होता है, विटामिन डी इफेक्ट, बिकॉज अगर आप गुड अमाउंट्स ऑफ बेसिकली फैट्स को नहीं लेते हो, बिकॉज आजकल बहुत ही सारा ट्रेंड चला हुआ है, दिस इज़ फैट फ्री, लो फैट डाइट है, हमें लो फैट चीज़ों को ही कंज्यूम करना है, पैकेट में भी स्पेसिफिकली लिखा होता है, या लेकिन आपको उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, आपको अपने जो बॉडी में फैट है उसे कट करना है, रेदर देन उन पैकेट्स के ऊपर लिखे हुए फैट को आपने चेकआउट करना है, उस अपनी बॉडी के फैट को कम करना है, जो आपका सबसे मेन प्राइमरी मोटो होना चाहिए। और उस बॉडी के फैट को कम करने के लिए आपको बॉडी को डेफिनेटली गुड अमाउंट्स ऑफ फैटी एसिड्स तो चाहिए ही चाहिए, जो आपकी एवरी मील में डेफिनेटली होने ही चाहिए, बिकॉज अगर आप इन गुड अमाउंट ऑफ फैट्स को नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज ADEK डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब विटामिन ए आपकी आईसाइट के लिए ज़रूरी होता है, डी अगेन आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, लॉट्स ऑफ फंक्शन करने के लिए, आपकी स्किन के लिए ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, इससे विटामिन्स डिस्टर्ब होंगे, विटामिन्स प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाएंगी, एच भी आपका लो हो जाएगा, जिससे अगेन फैट को एक मौका मिल जाता है डिपॉजिट होने का, आप लेथार्जिक फील करते हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। सो द सिस्टम इज होल बॉडी इज इंटरलिंक्ड, अगर आप एक भी चीज को इधर उधर करते हो पूरी की पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। नाउ ये हो गई हमारी न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज, हमें क्या क्या करनी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द डाइट प्लान। अब हमें कंफर्म तो हो गया है कि PCOD PCOS होता क्या है और ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें PCOD PCOS है। नाउ आर मेन पॉइंट इज द डाइट प्लान, अ सैम्पल डाइट प्लान ऑफ PCOD PCOS। तो हम जस्ट आई टेल यू वन डे डाइट प्लान, बिकॉज हम 7 डेज के लिए एक डिफरेंट डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं, मील्स अलग अलग होती हैं, टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, अगर एक दिन 5 मील्स जा रही हैं, दूसरे दिन 3 मील्स जाती हैं, तीसरे दिन 6 से 7 मील्स जाती हैं, तो आज मैं आपको फर्स्ट डे डाइट प्लान बताने वाली हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू मी आपको 6 बजे तक उठ ही जाना चाहिए, जिस टाइम पर आपको मिनिमम 2 ग्लासेस ऑफ वाटर डेफिनेटली इंक्लूड करना है, उसे पीना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना, कोई लेमन, मिंट लीव्स, तुलसी कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसके आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी फर्स्ट मील को ले लेना है और बिटवीन दैट 1 to 1.5 आवर आपको उस टाइम पर अपनी कोई भी एक्सरसाइज या वॉकिंग ज़रूर करनी है। एंड उसके बाद आपको अपने लिए फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स में आप मेलन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ग्वावा ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट जो सीजनल हो, फ्रेश फ्रूट हो, जो आपके लिए लाना इजी हो। ये नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा महंगे फ्रूट की तरफ नहीं जाना है, जितनी हमारी पॉकेट हमें इजाज़त देती है हमें वैसा ही कोई नॉर्मल फ्रूट लेना है, और उस फ्रूट्स में हमें रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है, जिसमें आपके बादाम हो सकते हैं, अखरोट हो गए, काजू हो गई, किशमिश हो गई, और इसे आपको अपने फर्स्ट मील की तरह लेना है। ये हो गई आपकी अर्ली मील। इसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपका लगभग अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे आपकी ये चीज़ हो जाएगी, 7 से 7:30 के बीच। और उसके बाद जब आप 9 बजे जब आपको अपने ऑफिस में जाना है या आप ड्यूटी करते हो या फिर आपको फैमिली को कहीं भेजना है, तो उस टाइम पर आपको
प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लेना है। नाउ प्रोटीन मींस आप उस टाइम पे पालक का पराठा ले सकते हैं, आप उस टाइम पे पनीर का पराठा बनाकर ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं। आप मूंग दाल चीला बनाकर ले सकते हैं, अगर आपको वो लेने का दिल नहीं, कभी आप बेसन का चीला भी ले सकते हैं। तो उसके साथ आप थोड़ा सा कच्चा पनीर ले सकते हैं, या फिर आप 1 गिलास ऑफ मिल्क रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी कि आपके बॉडी में उस टाइम पर प्रोटीन तो जा ही रहा है, उसके साथ आप में बॉडी में लिटिल अमाउंट ऑफ कार्ब्स जा रहे हैं जो हमने बेसिकली मॉर्निंग में ले लिए हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विटामिन सी भी हमने ले लिया, जो भी आप फ्रूट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कार्ब्स भी चले जाते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड आफ्टर 2 आवर्स, दैट इज़ अ मॉर्निंग स्नैक, उस टाइम पर अब आप पीनट्स ले सकते हो। पीनट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको पीनट्स नहीं लेने हैं तो आप मखाने ले सकते हो। अगर आपको मखाने भी नहीं लेने हैं तो उस टाइम पर अगेन आप स्प्राउट्स ले सकते हो। आप ब्लैक चना के स्प्राउट्स ले सकते हो या भुने हुए ब्लैक चना ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको। और इसके बाद आता है हमारा लंच, लेकिन लंच से पहले हमें 2 से 3 गिलास ऑफ नॉर्मल प्लेन वार्म वाटर को ईजिली कंज्यूम कर लेना है। लंच में हम एक बैलेंस्ड मील लेने वाले हैं। उस टाइम पर हमारी प्लेट में रोटी होनी चाहिए, अगर रोटी नहीं है तो उसकी जगह पर हम चावल भी ले सकते हैं। एक दाल होनी चाहिए और दाल के साथ हमारे पास एक सब्जी होनी चाहिए, चाहे तो वो आप चिकन फिश कुछ भी रख सकते हैं, या फिर उसके साथ आप कोई नॉर्मल वेजी ग्रीन वेजिटेबल रख सकते हैं, या नॉर्मल आलू मटर की सब्जी एक नॉर्मल वेजी रखनी है, अपने सीजन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके साथ आपके साथ एक अचार होना चाहिए। अगर आप अचार नहीं लेना चाहते तो आपके पास चटनी होनी चाहिए, और चटनी के साथ आपके पास दही होनी चाहिए। अगर दही नहीं है या फिर एक आप किमची ले सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर मील हो गई। दोपहर में हमें ऐसे ही अपनी मील को डिज़ाइन करना है और डेली तौर पर लेना है, लेकिन डेली हमारी दाल और जो हमारी वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो अलग अलग होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक परफेक्ट अमाउंट में एंटर कर सके, और उसके बाद वो इजीली प्रोबायोटिक्स उन्हें डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर सके। उसके बाद आता है अगेन हमारा इवनिंग स्नैक, लेकिन इवनिंग स्नैक से पहले और लंच के बीच फिर से हम 2 to 3 glasses ऑफ वाटर ईजिली कंज्यूम करेंगे। और इवनिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस टाइम पर आप चाय ले सकते हो। आप अपनी नॉर्मल चाय को उस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हो। उसके साथ जो हमने मॉर्निंग स्नैक के ऑप्शंस को डिस्कस किया था, मखाने, पीनट्स या फिर कोई चीला, स्प्राउट्स, आप उन्हें भी उस टाइम पर, उनमें से एक चीज़ को इस टाइम पर रख सकते हो और एक थिंग को आप मॉर्निंग स्नैक में डिज़ाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा डिनर। अगेन डिनर से पहले हमें 1 से 2 गिलास ऑफ पानी तो कंज्यूम कर ही लेने हैं, और डिनर कोशिश करनी है कि हम 8 बजे से पहले कर सकें। अगर 8 नहीं तो लास्ट हमें 9 रखना चाहिए। वैसे मैं तो हमेशा डिनर अपना 7:30 बजे से पहले कर ही लेती हूँ, तो आप भी कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले डिनर करने की कोशिश कीजिए। और डिनर में अगेन आपका प्रोटीन सोर्स डेफिनेटली होना चाहिए। या तो आप फिश करी विद राइस ले सकते हैं, चिकन विद राइस ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, एग्स की भुर्जी ले सकते हैं, एग्स का प्रॉपर एक ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर अगेन उस टाइम पर जो वेजिटेरियंस हैं वो नॉर्मली चना ले सकते हैं, ब्लैक चना हो गया आपका, सोया चंक्स हो गए, आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और इनके साथ आप अगेन चावल ले सकते हैं या फिर एक चपाती ले सकते हैं। अगर आपका उस टाइम पर हैवी खाने का दिल नहीं है तो आप खिचड़ी भी ले सकते हैं। मूंग दाल और चावल की जो तड़का लगाकर खिचड़ी बनती है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एक अपना वेजिटेबल सोर्स ज़रूर रखें जिसमें प्रोटीन्स हो, ताकि आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में प्रोटीन ज़रूर एंटर कर जाएं। और जब आपका ये डिनर फिनिश हो जाएगा तो आती है, बिकॉज़ हमने अपना डिनर 8 बजे तक कर लिया है, तो अब आता है हमारा 9 से 9:30, मतलब खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो उस टाइम पर हमें दूध ज़रूर लेना है। दूध में आपको हल्की सी हल्दी और जायफल को ऐड करना है, मींस आपको टर्मरिक नटमेग मिल्क रात को सोने से पहले कंज्यूम करना है। दोनों के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। और अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें हल्का सा सिनेमन भी, सिनेमन का पाउडर्स बना के घर पे रख लीजिए। मार्केट से पाउडर मत लेके आइए, मार्केट से दालचीनी वैसी ही लेके आइए प्रॉपर जो रोल्ड होती है,
उसे हल्का सा गर्म करके आप घर में ग्राइंड करके पाउडर बना के रख सकते हैं, और उसके पाउडर को लिटिल बिट आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो आप उस दूध को ले सकते हैं। और अगर आपको दूध रात को पीना अच्छा नहीं लग रहा है तो उस टाइम पर आप नॉर्मल टी मीन्स आप हर्बल टी ले सकते हैं इस टाइम पर, लेमन टी, जास्मिन टी, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, या फिर घर में जो आप जिंजर गार्लिक टर्मरिक बना के, जो काढ़ा बेसिकली नॉर्मल टी है, आप उसे हल्का सा कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस टाइम पर आप रात को अगर दूध नहीं लेना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक हर्बल टी ले सकते हैं। लेकिन मेन थिंग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, एक थिंग पे स्टिक हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। वी हैव द 7 डेज, आप उनमें से डिवाइड कीजिए, चाहे अपने 3 दिन को डिवाइड कीजिए, 4 डेज को डिवाइड कीजिए। ये 3 दिन मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये चीज़, एंड थर्सडे आप चाहे मंडे वाले थिंग को रिपीट कीजिए, बट 7ों दिन आप एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक ना रहे। एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रिक हम तब रहते हैं जब हमारे जो फिटनेस गोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उन्हें रीच करना होता है। इन दैट केस हम लोग डेफिनेटली एक प्रॉपर मील्स के ऊपर स्टिक रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे उन मील्स में प्रॉपर एक जो वेजी है वो स्टिक रहती है। नो, हम उन्हें चेंज करते रहते हैं। तो आपको भी वही चीज़ करनी है अगर आप को अपने PCOD PCOS की मुश्किल से इजीली छुटकारा पाना है, तो आपको अपनी मील्स को डेफिनेटली ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन ऑफ डाइट प्लान चाहिए तो यू ऑल नो माय वेबसाइट इज़ देयर फॉर यू, दैट इज़ www.dietitiandrhappy.com। और अब हम बात करते हैं थायराइड के बारे में। तो आज मैं आपको बेसिकली 3 डे थायराइड डाइट प्लान देने वाली हूँ कि थायराइड के डाइट प्लान को आप फॉलो करके अपने वेट को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, अपने थायराइड हॉर्मोन्स को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि हम सुबह उठते सार ही एक पिल लेते हैं तभी हमारा थायराइड जो है वो नॉर्मल रहता है, और उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड मील्स लेते हैं, ऑलमोस्ट उतनी कैलोरीज भी हमारे अंदर नहीं जाती जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट लगातार पुट ऑन ही हो रहा है, या फिर वो एक पॉइंट पर आकर स्टक हो चुका है, वो लूज़ नहीं हो रहा। तो थायराइड के 3 डे डाइट प्लान से पहले हम थोड़ी सी थायराइड की बायोलॉजी, साइंस और केमिस्ट्री को जान लेते हैं। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि थायराइड एक ग्लैंड है जो आपकी नेक में यहाँ पर फ्रंट में प्रेजेंट होता है और जो थायराइड हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। जी हाँ, थायराइड हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही मेजर फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आप कितने कार्ब्स ले रहे हो, कितने प्रोटीन्स ले रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, उन सबको ब्रेक डाउन मेटाबोलाइज थायराइड हॉर्मोन्स ही करते हैं, और उसके साथ ही ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही ये आपकी बॉडी में कैटेकोलामींस, दैट इज गुड हॉर्मोन, हैप्पी हॉर्मोन्स को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसे आप डोपामीन के नाम से जानते हो, उसे भी थायराइड हार्मोन की वजह से ही सिक्रेशन मिलती है, जिसकी वजह से आप खुश एनर्जाइज्ड अपने आप को फील करते हो। और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक भी हार्मोन डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अनदर हार्मोन्स पर पड़ता है। जैसे अभी आपका थायराइड हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो चुका है, वो कम या ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके इंसुलिन, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, PCOD, PCOS वाली दिक्कत भी देखने को मिलती है। और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें थायराइड का इशू होता है और उसके साथ ही उन्हें इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी होती है, और कई लोग डायबिटीज़, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं। अब ये हो गया एक मोटी मोटी सी बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर हम इसके थोड़ी और डीप में जाते हैं, उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो थायराइड है बेसिकली, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी में T4 और T3, दैट इज थायराइड हार्मोन, इन्हें रिलीज करता है। T4 जिसे हम टायरोसिन कहते हैं, और T3 जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं। T4 बेसिकली आपकी बॉडी में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, इन्हें कौन रिलीज करता है, इन्हें ब्रेन में एक अनदर ग्लैंड होता है जो इन्हें सिक्रीट करता है, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH हार्मोन को रिलीज करता है जो स्टिमुलेट देते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को T4 और T3 रिलीज करने के लिए। लेकिन उनके ऊपर एक और बॉस बैठा होता है जो अगेन आपके ब्रेन में होता है, और वो बॉस कौन होता है? दैट इज योर हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस TRH दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और वो TRH पिट्यूटरी को कहता है कि वो TSH को रिलीज करे, और वो TSH आगे जाके थायराइड ग्लैंड को कहता है कि वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करे, और वो T4 और T3 देन आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ये मैकेनिज्म होता है। नाउ T4 हमारा दैट इज थायरोक्सिन T3 में कन्वर्ट होता है। अब उसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है T3 में कन्वर्ट होने के लिए? T4 को सबसे ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है बाइंड होने के लिए, कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है दैट इज आयोडीन पेरोक्सीडेज, और उसके साथ ही स्पेशली वाइटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, वाइटामिन सी, इन छोटे छोटे मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टायरोसिन को नीड होती है कि अगर उसे T3 में कन्वर्ट होना है। और अगर आपकी बॉडी में आयोडीन सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और अगर T3 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपकी बॉडी के जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो फंक्शंस आपकी बॉडी में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होंगे। आई नो आयोडीन अकेला ही नहीं है जो T4 की हेल्प करता है, हमने इसके सिवा और भी बहुत सारे मिनरल्स डिस्कस कर लिए हैं दैट इज वाइटामिन B6, मैंगनीज, वाइटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, इनकी भी नीड होती है टायरोसिन को। अब टायरोसिन क्या है? दैट इज T4। T4 एक तरह का प्रोटीन है जो एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जो किससे बनता है? दैट इज फिनाइल एलानिन से बनता है जो एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। तो अगर आप उस असेंशियल अमाइनो एसिड को दैट इज फिनाइल एलानिन को सफिशेंट अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो ही आपका टायरोसिन T4 अच्छी अमाउंट में रिलीज होगा। अब आप ये पूरा का पूरा कनेक्शन समझ रहे हो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था T4 T3 से, और उसके बाद हम ब्रेन पर गए TSH पे, उसके बाद हम TRH पर गए, और TRH ने फिर TSH को रिलीज़ किया, T4 और T3 को रिलीज़ किया, और उसके बाद T4 को किन चीज़ों की ज़रूरत थी T3 में कन्वर्ट होने के लिए, और T4 को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से? कि आप लोग पहले इस पूरी की पूरी जो साइंस है इससे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाइए, उसके बाद ही हम जो 3-day थायराइड डाइट प्लान है उसे डिस्कस करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग इस केमिस्ट्री को, इस साइंस को नहीं सुनना चाहते, आप लोग डायरेक्टली 3-day डाइट प्लान को लेना चाहते हो, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कम टू पॉइंट, तो हम कहाँ पर थे? यस, T4 को अदर मिनरल्स एंड vitamins की भी ज़रूरत होती है, और कुछ enzymes की भी ज़रूरत होती है T3 में दैट इज triiodothyronine में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अब T4 बेसिकली टायरोसिन एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, और वो किससे बनता है हमारी बॉडी में? फिनाइल एलानिन से, जो क्या है? एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। मींस आप जितने प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन आप अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, उतना ही आपकी बॉडी टायरोसिन बना रही है, उतना ही आपकी बॉडी T4 को रिलीज़ कर रही है। जितना आपकी बॉडी T4 को रिलीज़ कर रही है और आपकी बॉडी में अनदर न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो वो T3 में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाउ यू डिटेक्ट, हाउ अ डॉक्टर, अ हेल्थ केयर एडवाइज़र डिटेक्ट कि आपको थायराइड इशू है? वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं। व्हाट विल हैपन जब ये सारा का सारा मैकेनिज्म हुआ, T4, T3 आपकी बॉडी में रिलीज हुए, तो उस टाइम पर वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। जब वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, T4 अगर इनफ अमाउंट में रिलीज़ नहीं हुआ है और वो T3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, चलो अगर हम मान भी लें T4 रिलीज़ हो गया, लेकिन अब कमी कहाँ पर हुई? जिस चेन ने उन्हें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अब कमी हो गई है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब कमी हो गई है, T4, T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा,
तो ब्लड में अब T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ब्लड में क्या सिग्नल है कि T3 नहीं है बॉडी के पास, वो बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ये सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा। ब्रेन अगेन दैट इज योर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कह गया कि आपको TSH को रिलीज करना है, आपको TSH को रिलीज करना है। वो TSH को रिलीज करता रहेगा ताकि आपकी ब्लड में T4 और T3 नॉर्मल हो जाए, लेकिन T4 T3 में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता रहता है और T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको TSH रेज मिलता है और T4 और T3 का लेवल जो है वो आपको डिक्लाइन मान ली कि कम मिलता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। और इसका ऑपोजिट केस हम हाइपरथायरॉयडिज्म कह देते हैं। नाउ 3-डे थायराइड वेट लॉस फ्रेंडली डाइट प्लान, तो हम Day 1 से स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली तीनों दिन का हम डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप पेन पेंसिल नोटबुक उठाकर इसे राइट डाउन भी कर लो अगर आपको थायराइड का इशू है। सो Day 1 में सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे उठना है और उठते साथ ही आपको 1 गिलास 500 ml का वार्म वाटर कंज्यूम करना है Day 1 में। Day 2 में आपको ओवरनाइट मेथी दाना को सोक करना है, उसे सुबह हल्का सा गर्म करके कंज्यूम करना है। और Day 3 में आपको क्यूमिन सीड्स दैट इज हाफ टीस्पून ऑफ जीरा उसे ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उसे गर्म करके हल्का सा उसका पानी आपको कंज्यूम करना है, लेकिन तीनों की क्वांटिटी आपकी 500 ml ईच डे होनी चाहिए। इसके बाद 6:15 पर आप वॉक ले सकते हो तीनों दिन। 15 मिनट की वॉक के बाद अगर आप वॉक नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पर आप हास्य आसन कर सकते हो, बिकॉज मॉर्निंग में जब आप हास्य आसन करते हो तो आपकी नेक पे वाइब्रेशंस जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है और T4 T3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके 6:30 6:45 हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना फ्रेश हो सकते हो, शावर ले सकते हो, यू हैव हाफ एन आवर। एंड आफ्टर दैट 7:30 to 8:30 के बीच आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। अब Day 1 में आपको 2 होल सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, उसके साथ +1 बनाना लेना है, 5 आपको आलमंड्स लेने हैं, 1 आपको वॉलनट लेना है और 2 to 3 आपको ओवरनाइट सोक्ड किशमिश लेनी है। और अगर आप एग खा सकते हैं, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो उस दिन आप Day 1 में 1 boiled scrambled egg भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू Day 2, 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट। Day 2 में आप 1 chapati विद वेजी ले सकते हैं, 1 paratha सिंपल पराठा जिसमें हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है वो ले सकते हैं वेजी के साथ, या फिर आप पोहा इडली डोसा चटनी के साथ ले सकते हैं, दैट इज़ ऑन Day 2। और Day 3 में आपको दलिया लेना है, Day 3 में आप एक दलिया लेंगे, दलिया में आप 5 से 6 berries को इंक्लूड करेंगे, प्लस उस दिन आप फ्लैक्स सीड्स जो ओवरनाइट सोक्ड होने चाहिए, अगर आपके पास ओवरनाइट सोक नहीं है पाउडर है तो आप 1/2 teaspoon ऑफ पाउडर को भी उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी Day 3 की मील दैट इज ब्रेकफास्ट। नाउ उसके बाद आते हैं हम मॉर्निंग स्नैक पे, ताकि 10 बजे Day 1 में आपको 1 whole orange 1 whole pomegranate और 2 gooseberries इनका जूस निकालना है और इस जूस को कंज्यूम करना है। Day 2 में आपको 4 whole oranges का जूस निकालना है, उसे कंज्यूम करना है। Day 3 में आपको धनिया जूस को कंज्यूम करना है, फ्रेश धनिया पत्ती होनी चाहिए, उसका जूस निकालना है और उसे कंज्यूम करना है। ये हो गई आपकी 10 बजे की दैट इज मॉर्निंग स्नैक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर लंच, लंच आपका 12:30 से 1:30 बजे के बीच हो जाना चाहिए। और मॉर्निंग स्नैक और लंच में आपका जो भी गैप है उस टाइम में आपको 2 से 3 glasses ऑफ पानी तीनों दिन कंज्यूम करने हैं। नाउ लंच, लंच पे हम Day 1 में आप 1 chapati या फिर 1/2 bowl rice, अगर आप चपाती खाना नहीं पसंद करते आप 1/2 bowl rice ले सकते हो, उसके साथ आप
मूंग की दाल ले सकते हो, प्लस पालक पनीर सब्जी ले सकते हो, प्लस एक रायता लेना है। ये हो गया आपका डे वन। डे टू में अगेन आपको वन चपाती लेनी है। उस दिन आपको वन चपाती के साथ मसूर दाल लेनी है, प्लस आपको गोभी मटर या फिर गाजर मटर की सब्जी लेनी है, प्लस आपको पिक्कल लेना है, अचार लेना है। आपके पास आंवले का अचार है, मिर्च का अचार है, गाजर का अचार है, जो भी अचार है आप उसके साथ सेकेंड डे में उसे कंज्यूम करें। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डे थ्री। डे थ्री में आपको वन चपाती विद मोठ दाल लेनी है। वन चपाती के साथ आपको मोठ दाल लेनी है, प्लस आपको स्प्राउट्स लेने हैं इस दिन। स्प्राउट्स जिसमें आपके हरी मूंग और ब्लैक चना होने चाहिए, प्लस इस दिन आपको फिर से एक रायता लेना है, कर्ड यानी आपको एक रायता लेना है। ये हो गई आपकी डे थ्री। तीनों डेज की आपकी लंच मील्स। इसके बाद 4 बजे, दैट इज़ योर इवनिंग स्नैक, बिकॉज हमारा लंच लगभग 1:30 बजे से पहले हो चुका है। नाउ इवनिंग स्नैक की अगर हम बात करें तो डे वन में आपको अ कप ऑफ टी। आई नो आप ये सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि हमने पूरे दिन में चाय नहीं पी है और इस टाइम पर हमें एक कप ऑफ टी मिल गई है। सो 4 बजे डे वन में आप कप ऑफ टी ले सकते हैं। उसके साथ आप 5 to 10 रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, लेकिन वो रोस्टेड पीनट्स आपके घर के होने चाहिए, आपको रेडीमेड नहीं लेने हैं। आपको मूंगफली को हल्का सा देसी घी में भून लेना है, एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सॉल्ट तो आप उसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। डे टू को आपको 1 कप ऑफ कॉफ़ी लेनी है, प्लस उसके साथ आप एक 1 टोस्ट ले सकते हैं। डे थ्री में आप एक हर्बल टी लेंगे और हर्बल टी के साथ आप ब्लैक भुने हुए काले चने उसे ले सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 6 o'clock, 4 बजे हमारा हो चुका है। हमने इतनी सारी मील्स इसीलिए डिवाइड की हैं बिकॉज जब हम थायराइड के पेशेंट होते हैं, हमें थायराइड इशू होता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मील्स लेनी होती हैं। हम ज़्यादा मील्स लार्ज मील्स को नहीं कंज्यूम कर, 3 से 4 मील्स एक दिन में कंज्यूम करता है, लेकिन थायराइड पेशेंट एक दिन में 5 से 6 या फिर 6 से 7 मील को कंज्यूम करता है, और करनी भी चाहिए बिकॉज तभी आपके थायराइड को कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेशन मिलती रहेगी, जिसकी वजह से वो मजबूरन अपने थायराइड हॉर्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा और उनके कन्वर्जन रेट को नॉर्मलाइज करेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 6 o'clock, 6 o'clock अगर आपको भूख लगती है तीनों दिन, अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3 ग्लासेस ऑफ पानी उस टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर आप मिल्क शेक ले सकते हैं। आपके पास कोई भी फ्रूट है घर में, उसका आप शेक बना सकते हैं, मिल्क के साथ मिलकर ही बनाना है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर नहीं लगती तो उस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिनर। डिनर की अगर हम बात करें, डिनर हमारा 8 बजे हो जाना चाहिए, 8 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। तो डिनर में डे वन में हम लेंगे 1 बोल ऑफ दाल, 1 बोल ऑफ योर मूंग दाल, प्लस उसके साथ आप 1 चपाती लेंगे, 1 चपाती लेंगे फर्स्ट डे। डे टू की बात करें तो डे टू में आप मिड साइज़ दलिया या फिर आप मिड साइज़ ओट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ आप 1 बोल मसूर दाल का लेंगे और इसके साथ आप 1/2 बोल गोभी मटर या फिर गाजर मटर की सब्जी का भी लेंगे। डे थ्री की बात करें, डे थ्री में अगेन आप 1 चपाती लेंगे, 1 चपाती के साथ आपको पालक पनीर या फिर मेथी की सब्जी का 1 बोल लेना है, और उसके साथ अगेन आपको 1 कटोरी मोठ दाल लेनी है। ये हो गई आपकी डे थ्री की नाइट मील। अगर आप इन तीनों दिन के डाइट प्लान को इजीली फॉलो करते हो तो 3rd दिन ही आपका एनर्जी लेवल हाई होने लगेगा,
आपको स्लीप अच्छी आने लगेगी। आई नो थायराइड पेशेंट्स को स्लीप भी अच्छे से नहीं आती है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम टायर्ड फील करते हो, आपको वो भी नहीं होगा, लेथार्जिक फील नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर प्रॉपर रेशो में, प्रॉपर अमाउंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, जिन्हें थायराइड को नीड है, जिनकी थायराइड को नीड है, ताकि थायराइड ईजिली रिलीज होकर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर अब भी आप पूछते हो कि अगर हम थायरॉक्सिन बेसिकली पिल लेते हैं, दैट इज़ T4, तो उसका हम क्या करें, बिकॉज वो हम सीधा सुबह उठते सार ही लेते हैं, देन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप थायरॉक्सिन पिल कंज्यूम करते हो, फर्स्टली दैट इज़ T4 हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेटिकली जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, इट मीन्स उस टाइम पर आपका ग्लैंड उसे सिक्रेट नहीं कर रहा है, वो T4 बाहर से ही आपकी बॉडी में जा रहा है और आपके फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर रहा है, तो आपके थायराइड ग्लैंड को पड़े पड़े जंग लग जाएगी। मतलब अगर वो थोड़ा बहुत T4 भी रिलीज कर रहा होगा तो उसके बाद उसने उसे भी बंद कर देना है, एंड दैट्स द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द पीपल पूरी लाइफ तक उस पिल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जैसे ही वो पिल को छोड़ देते हैं लेना तो ड्रास्टिकली उनका थायराइड फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। सो इसीलिए आपको उसे धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आप सुबह उठते सार उस पिल को लेते हो तो सबसे पहले आपको आधे घंटे का गैप डालना है, और उस आधे घंटे में आपने क्या लेना है, एक पानी का गिलास ल्यूकवॉर्म वाटर, जैसे हमने स्टार्ट किया था अपना डे फर्स्ट मील से, तो आपको वो लेना है। जब आपने एक हफ्ता या 3 से 4 दिन 30 मिनट्स का गैप डाला, उसके बाद आप 45 मिनट्स के गैप पर आएंगे, और जब आप 45 मिनट्स के गैप पर आएंगे, देन आफ्टर 4 to 5 डेज के बाद आप 1 आवर के गैप पे आएंगे। तो 1 आवर के गैप से पहले आप अपना ल्यूकवॉर्म वाटर भी ले चुके हो, आप अपना हाथ से आसन भी कर चुके हो, और उस टाइम पर आप फ्रेश भी इजिली हो चुके हो। और जब आपका विद इन 10 डेज में ये 1 घंटे तक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आप 1 घंटे से डायरेक्ट 2 घंटे पे स्विच ऑन हो जाएंगे। मतलब उस टाइम पर आपका जो थायरॉक्सिन पिल है उससे पहले ही आप अपना ब्रेकफास्ट भी ले चुके हैं, बिकॉज जब आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अपने थायरॉक्सिन को लेते हो तो वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती, और अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की रेशो जो बोन्स को बनाते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेगी, और कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारा जो सेल है बॉडी में उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में प्रेजेंट होता है, तो वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, और अगर वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे तो सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा भाई, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अगेन होल स्टोरी कम टू द कल्प्रिट, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। सो गॉट इट व्हाट आई वांट टू से, ओनली आपको खाने के थ्रू ही चीज़ों को लेना है और उसे ही कन्वर्ट करना है, तो आपने इसे धीरे धीरे स्किप करना है, एंड उसके बाद यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर वेरी फ्रेंडली कि इसकी डोज को भी कम करें, बिकॉज अगर आप टाइम डालकर गैप में कर इसे एकदम से बंद कर दोगे तो भी आपकी बॉडी में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी डोज को भी डिक्लाइन करना है, एंड आई नो वो आप खुद से नहीं कर सकते, 10 से 20 mg इसकी डोज को आपको डिक्लाइन करना है, और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जिससे आप मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कोई एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपकी डोज जब कम होनी स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को उसकी आदत छूटनी भी स्टार्ट हो जाएगी, और विद इन 1 or 2 maximum 3 months इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कंडीशन, आपकी रूट कितनी ज़्यादा पुरानी है, जड़ें कितनी ज़्यादा लंबी है, तो उसकी वजह से आपकी ये पिल भी छूट जाती है। सो बेसिकली गाइज, इफ़ यू हैविंग थायराइड इशू, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न को ही चेंज करना पड़ेगा, उसके सिवा इस चीज़ का और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो जस्ट टेक अ ओथ कि हमें अपना थायराइड ईजिली क्लीन करना है, इस इशू को सॉल्व करना है, और हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पैटर्न को भी चेंज करना है। आई होप गाइज दिस वीडियो मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई